छोटी बहन और मैं उनका बड़ा भाई और एक खेल लिया कूड़े कूड़ा। क्या खेलिए? कूड़ा कूड़ा। हाँ थोड़ी तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। कूड़ा कूड़ा खेल रही है और बस ये खेलना चाहते हैं कि इसका ट्रक छोटा है तो ना छोटे ट्रक में से सब भर गया। ये देखो पहले देख लो, देखो ना ये क्या है। नहीं कूड़ा। हाँ काव्या बताओ। और देखो मैं क्या फाड़, और मैं ये फाड़ के अपना वो बना रहा हूँ कूड़ा वाला। काव्या क्या बना रही? काव्या अपने बारे में बताओ सब कुछ। मैं ये कल के लिए बचा के रख रही हूँ। और तुम्हारे जो एक साल से स्कूल बंद पड़े हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कि स्कूल हम जा नहीं रही है। हैं? स्कूल हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? जाओ स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अब भेजते ही नहीं, हम खेले कैसे जाएंगे? पढ़ने का मन नहीं करता क्या तुम लोगों को? आपको भी नहीं करता ना। मैं तो बड़ी हो गई, मैं तो पढ़ाई कर ली मैंने, मैं तो रोज स्कूल जाती थी डेली। कभी मैं जब छोटी थी मेरे को एक साल की कभी छुट्टी नहीं मिली जैसे तुम्हें मिल गई है। मजे आ गए, तुम्हारी तो मौज हो गई। यहाँ बैठ के बताओ ना निकू, इधर आके बताओ, यहाँ बैठो। हैं काव्या बोलो ना। अब तो कोरोना वायरस खत्म होने वाला है, अब तो स्कूल जाना पड़ेगा, रेल बन गई है ना। स्कूल खुला नहीं है इतने दिन से, स्कूल बंद है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? स्कूल बंद है तो फिर स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बताऊँ, घर पे ही मजे ही करो। और ये जो है ऑनलाइन क्लास होती है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? इसके बारे में ये बहुत अच्छा। ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या बोलना चाहते हो? ऑनलाइन क्लास में मजा आता है, कैसा लगता है? मजा आता है। मजा पढ़ता तो है नहीं तू? हाँ। तो गाइज ये है निक्कू और ये है काव्या, बताया इन्होंने जैसे कि ऑनलाइन क्लास होती है, मजा इनको सच में बहुत आता है क्योंकि इतनी छुट्टी इनको अभी तक नहीं मिली। और कभी बड़े हो जाएंगे तो याद करेंगे कि साल भर की छुट्टी मिली थी, क्योंकि ऐसा लाइफ में फिर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ये साल भर की छुट्टी हमें तो बड़ी बुरी लग रही है। इनको भले ही मज़ा आ रहा होगा लेकिन बच्चे भी अब बहुत ज़्यादा घर में बोर हो गए हैं बैठे बैठे। जो स्कूल जाते थे वही इनको अच्छा लगता था, वही रूटीन जो चलता था ना वही अच्छा लगता था। अब घर में पड़े पड़े ये भी बेचारे बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ये घूमने भी कहीं नहीं जा सकते, छुट्टियाँ तो स्कूल की पड़ी गई है, इसके अलावा घूमने भी नहीं जा सकते कहीं। तो लास्ट टाइम निकू को लेके गए थे कुतुब मीनार, जो कि हमारे घर के नियर बाई ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बस में स्कूल जाते हैं बच्चे, वो रूटीन हमें भी अच्छा लगता था। हाँ जब मैं ना स्कूल बस में बैठा था तब मुझे बिल्कुल घुटने ना मेरे लिए चीज बच्चा आके नहीं लाया था मैं इसके। और जब मैं छोटी थी मेरे स्कूल में पाती थी तो मैं चिप्स वगैरह इसके लेके बचा के लाई थी क्योंकि इसको मिला नहीं था। मम्मा आपने तो वहाँ पे पिकनिक पे इतनी सारी चीजें दी थी मुझे, चिप्स वेज। हाँ तो बच्चे जो स्कूल जाते थे ना वही अच्छा लगता था क्योंकि एक टाइम था सुबह मेरे को जल्दी उठना, फिर इनको स्कूल भेजना, लंच पैक करके देना, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी अपने घर का काम करना और इनको वापस स्कूल से लेकर आना। लेकिन अब जैसे पापा ना धो के तैयार होते हैं वैसे मैं भी ना धो के तैयार होके। हाँ तो अब ये स्कूल नहीं जा रहे हैं तो लगता है बहुत ज्यादा बुरा है। ये कैमरा गंदा हो रहा है, थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। तो स्कूल नहीं जाते तो बहुत बेकार सा लगता है और सारा टाइम टेबल सारा रूटीन गड़बड़ा गया है, खराब हो गया है। काम करने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है, सोने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है, उठने का भी नहीं है, लेट सोते हैं लेट उठते हैं। अरे मैं आपको सुबह सुबह जल्दी उठा दूंगा, सुबह तो मैं जल्दी ही उठता हूँ। क्यों उठता है जल्दी? स्कूल तो जाना नहीं होता। अरे जब कोरोना वायरस खत्म होगा तब तो स्कूल जाना होगा ना। देखिए ये तेरे कान पे क्या हो रहा है? देख वो तो लग गई थी बाल से, चोट नहीं दाने से हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और क्या कर रहे हो आप इतनी ध्यान से? ये क्या कर रही है? कूड़ा कबाड़ा, पढ़ना लिखना तो होता नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ से आया तेरे पास? सेंटा ने दिया है। सेंटा ने तेरे को क्यों दे दिया गिफ्ट? क्योंकि इसको हमारे साथ खेल के ही पड़ी रहती है। इसको सेंटा ने आखिर गिफ्ट क्यों दिया मुझे यही समझ में नहीं आया। मुझे इसको काव्या को क्यों? ये तो सेंटा ने कर रही थी। इसके अंदर पेंसिल रखते हैं फंसा फंसा के, पता है तुझे? दिखाऊं फंसा के पेंसिल कहाँ तेरे पास है? दिखा। नहीं है। लेके आ मैं दिखाती हूँ कैसे फंसाते हैं इसको। हाँ मुझे इसने बताया था फिर मैंने फंसा दी थी यहाँ ताकि गिरे ना। इतना अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है तो इसको बंद करके रख लेना, जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर काम आएगा। अब
भी नहीं। दिखा एक बार सबको, दिखा तो दो कैसा है ये। कार्टून वाला है। तू भी तो कार्टून ही है। मुझे कार्टून पसंद है। ओ हाँ, एक बार इसने अपनी चीज ले ली ना तो फिर किसी को नहीं देती है। और गाइस ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, आज भी हम लोग नहीं नहाए हैं, बस हमने ड्राई क्लीन कर लिया अपने आप को और बच्चों को भी नहीं नहलाया है, बस क्लीन करके कपड़े चेंज कर दिए हैं, नहाया कोई भी नहीं है, कपड़े मैंने जरूर धोए हैं। कपड़े इसके चेंज किए हैं ना, तो मेरे तो नहीं करे ना। तो क्या हुआ, तेरे तो कल ही करे थे ना, मैं डेली डेली नहीं करती, कल कर दिए बहुत है। मतलब मम्मा देखो मैंने आपको नानी ये क्या है ये, मैंने बचा के रखा है, कहा कि छुट्टियों में डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन नहीं रखना। तो आज मैंने कपड़े धोए हैं, ठंड बहुत है, मैं कपड़े धोती हूँ लेकिन बिल्कुल खंगालती नहीं हूँ पानी में, मतलब खंगालती हूँ मशीन में ही, मेरे पास ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तो नहीं है, नॉर्मली जो होती है नॉर्मल मशीन वो ही है वॉशिंग मशीन तो, लेकिन मैं क्या करती हूँ जो स्पिनर होता है ना उसी में कपड़ों को खंगाल लेती हूँ। तो हम अपने नए घर में वो ले लेंगे वॉशिंग मशीन। अभी नया घर बनने में पता नहीं बेटा कब का टाइम कितना टाइम लगेगा, अभी तो बस हमने प्लॉट लिया, अभी उसके भी पैसे नहीं गए, घर बनने में 1.5 साल लग जाएगा, सिर्फ टोकन मनी ही अभी दी है, इसके बाद पूरी पेमेंट करनी है। बहुत टेंशन है मेरे दिमाग में चल रही है, बहुत ज्यादा टेंस हूँ मैं, कहाँ से होगा कैसे होगा क्या होगा पता नहीं। ओए निको गैस जल रही है मुझे लग रहा है। हाँ, बदबू आ रही है। मेरे को भी नहीं नहीं डर गई मैं तो, क्योंकि ना ऐसा हो चुका है जब से हम इस घर में आए हैं ना, कई बार ऐसा हो गया है कि मैंने गैस ऑन करके छोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या जल जाता है। मेरी बात तो सुनो, जब पापा टेंट हाउस बना रहे थे तब ना आपने खाना, हाँ खाना जला दिया, फूंक दिया था और मतलब उसमें आग लग गई थी। तो पता नहीं प्लॉट की पेमेंट अभी करनी है, पहले तो हमारा जो फर्स्ट हमारा एम है ये है कि प्लॉट की पेमेंट हो जाए, उसके बाद घर कब बनेगा कैसे बनेगा नहीं पता, हमारे पास घर बनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, घर बनाने की हमें बहुत टेंशन है, कैसे होगा क्या होगा आई डोंट नो, और देखते हैं क्या होगा जैसा भी होगा। फिलहाल तो ये है कि चैनल चल जाए, भगवान जी बाबा जी माता जी हे ईश्वर अल्लाह और बाबू, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह होते हैं जैसे भगवान होते हैं ऐसे अल्लाह भी होते हैं, तो हे अल्लाह हे ईश्वर, वो गाना नहीं गाते बेटा, उसको अजान बोलते हैं, वो अजान होती है तो गाना क्यों गाते? नहीं जैसे माता जी का हम बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, वो अजान करते हैं, गाना नहीं है, वो बच्चों को याद दिलाते हैं कि टाइम हो गया पूजा करने का।